बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दानिश एग्रीकल्चर में खुश आमदीद। ट्रैक्टर लाहौर मार्केट में इस वक्त जो 385 सबसे पसंदीदा ट्रैक्टर है किसानों का, उसकी सूरत हाल भी बताते हैं आपको। रेट कम हुए हैं, बड़े हैं, क्या सूरत हाल है मार्केट के अंदर। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि सोमवार वाले दिन ट्रैक्टरों की कीमत के अंदर बहुत बड़ी कमी होने जा रही है, ये भी आपको बताते हैं। तो जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ दिए गए बेल आइकन पर लाजम क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। 240 की अगर बात की जाए, सबसे पहले आपको बताता चलूं कि कंपनी ने, मैंने पहले वीडियो बनाई है कि 235 ट्रैक्टर भी एक लॉन्च कर दिया है। बहुत छोटा, बहुत प्यारा सा एक ट्रैक्टर है, छोटे जिम्मेदारों के लिए बहुत ही खूबसूरत है। छोटे छोटे औजार हैं उसके, हल, करा, रोटावेटर, छोटे छोटे, और बहुत ही प्यारा ट्रैक्टर है। लेकिन अगर कीमत की बात की जाए, लाहौर मार्केट के अंदर जब किसानों से बात की गई, वहां पर जो मौजूद थे लोग उनसे बात की गई, कंपनी का ये कहना था, कंपनी के लोगों का, इसका रेट जो है वो तकरीबन 17 से 18 लाख या 15 लाख से 20 लाख के दरमियान निकलने वाला है। अभी रेट नहीं निकला उसका, तो जो ट्रैक्टर की सूरत हाल है, अगर यही रेट निकला तो 235 जो है वो फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि 240 इस वक्त आपको, जिसने 235 लेना है वो 240 260 ले लेगा, 240 ले लेगा, तकरीबन 2 से 3 लाख का फर्क है, ठीक है। बाकी अगर किसानों का ये कहना है कि 10 से 12 लाख रेट निकलता है तो ये बहुत अच्छा ट्रैक्टर है, छोटा सा है, बहुत प्यारा है। अब अगर रेट की बात की जाए 240 की, तो इस वक्त 21,90,000 रुपए जो रेट है वो 240 का है। मार्केट से भी ये आपको इसी पूरी बुकिंग प्राइस के ऊपर मिल सकता है। अब 260 टर्बो की बात की जाए, 25,50,000 रुपए इसका रेट है, तो मार्केट से ये आपको इसी रेट के ऊपर मिल जाएगा, बुकिंग प्राइस के ऊपर ही। अब 260 स्पेशल एडिशन की बात की जाए तो 26 लाख का ट्रैक्टर है, 26 लाख कंपनी प्राइस है, 26 लाख भी आपकी बुकिंग प्राइस है। अगर आप मार्केट से खरीदना चाहें तो मार्केट से भी आपको ये पूरी 26 लाख में ही मिल जाएगा। 375 की अगर बात की जाए, जो बहुत कम नजर आता है मार्केट के अंदर, तो इसकी जो प्राइस है 33,45,000 रुपए इसकी कंपनी प्राइस है। अगर बात की जाए किसानों से, तो उनका कहना होता है कि 375 हमें पसंद ही नहीं है, बाकी अच्छा ट्रैक्टर है। उनका ये कहना होता है कि 33,45,000 रुपए में हम अगर ये लेते हैं तो 34-35 लाख में हमें 385 मिल जाता है, हमें वो ही बेहतर है। 385 तो बहुत अच्छा ट्रैक्टर है, बहुत पसंद करते हैं किसान भाई उसे। 385 के रेट की अगर बात की जाए तो अच्छा, 375 जो इसकी रिटेल प्राइस है, कंपनी प्राइस है, बुकिंग प्राइस है, इसी प्राइस के ऊपर ये भी आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगा। अब 385 की बात करते हैं, 34,65,000 रुपए इसकी कंपनी प्राइस है। मार्केट के अंदर आगे ये 40 से 50,000 रुपए आपको महंगा मिलता था। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 385 का रेट बहुत कम हो चुका है, तो कंपनी प्राइस फिल वक्त वही चल रही है, 34,65,000 रुपए। लेकिन मार्केट के अंदर जहां ये आपको 35,34,90,000 रुपए में मिलता था, अब आपको इजीली 10 से 20,000 रुपए इजाफे के साथ मिल जाता है, यानी 34,80,000 रुपए में इजीली मिल सकता है। अगर आप पैंथर टायर के साथ लेते हैं तो ये आपको इसी रेट पर मिलेगा, जनरल टायर के साथ भी यही रेट है, बाकी अगर आप सर्विस टायर के साथ लेना चाहते हैं तो 30 से 40,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा भरने होंगे, एक्स्ट्रा देने होंगे। ये थी जी लाहौर मार्केट की अपडेट। बाकी सोशल मीडिया के ऊपर खबरें जो गर्दिश कर रही हैं कि सोमवार वाले दिन कंपनी इसकी कीमतों के अंदर बहुत बड़ी कमी करने जा रही है, तो इंशाल्लाह आज हफ्ता है, सोमवार, एक दिन बाद सोमवार आ जाएगा, जैसे आगे 18 अक्टूबर को कमी की गई है, 20 अक्टूबर को कमी की गई है, इसी तरह सोमवार को भी कमी होगी, तो इंशाल्लाह आपके साथ अपडेट शेयर करेंगे। बाकी आपका पसंदीदा ट्रैक्टर कौन सा है, रेट के अंदर कितनी कमी होनी चाहिए, क्योंकि तमाम तर चीजों के अंदर कमी हो चुकी है, बाद एक ट्रैक्टर की लिस्ट रह गई है, क्योंकि बाइक्स की बात की जाए, मोटरसाइकिल्स की, कार की, तो तकरीबन मार्केट के अंदर बाइक जो होंडा कंपनी ने अगर कमी नहीं की तो उन्होंने बाइक आउट किया हुआ है, डीलर्स आज फ्री बैठे हुए हैं, कार की कीमत के अंदर भी कमी हो गई है, तो बावजूद एक ट्रैक्टर रह गया है, ट्रैक्टर की कीमतों के अंदर भी कमी की जाए। बाकी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा आपकी क्या राय है। इंशाल्लाह नई अपडेट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।